हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल संकरनाथ एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों एक बार फिर से हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं जॉब इन्फॉर्मेशन, एक नई वीडियो जिसका आप सभी को इंतजार रहता है। यदि आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। चलिए दोस्तों देखिए, स्टार्ट करते हैं आज की जो नई वीडियो और नई जानकारी आप सभी के साथ साझा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं देखिए कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की। दोस्तों कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी जो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय दोस्तों, उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर 82 पदों पर दोस्तों 82 पदों पर जो है ना वैकेंसी निकली है, आपको 82 पदों पर भर्ती निकली है। इसके जो ना 7 फरवरी से आवेदन जो है दोस्तों शुरू होंगे, 7 फरवरी से इसके आवेदन शुरू होंगे। इसमें बात करता हूँ मैं अगर अप्लीकेशन फी की, तो अप्लीकेशन फीस में जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए दोस्तों देखिए बहुत ज्यादा अप्लीकेशन फी है, लेकिन महंगा फार्म है, लेकिन पोस्ट भी तो बहुत ही बढ़िया दोस्तों असिस्टेंट प्रोफेसर। तो जो फी है वो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 2000 रुपए है और एससी के लिए 500 रुपए दोस्तों। एससी कैंडिडेट जो उनके लिए 500 रुपए और जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए 1000 रुपए दोस्तों। तो देखिए एज की बात करता हूँ, मिनिमम एज आपकी होगी दोस्तों 21 साल। 21 साल आपकी कम से कम मिनिमम एज या कम से कम उम्र 21 साल होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया दोस्तों इस भर्ती का, असिस्टेंट प्रोफेसर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय हरियाणा का एक सबसे पहला विश्वविद्यालय यानी हरियाणा की सबसे पहली यूनिवर्सिटी दोस्तों, जो 1956 में बनाई गई थी राजेंद्र प्रसाद के सपनों का विश्वविद्यालय से कहा था दोस्तों। उसके बाद दूसरी है दोस्तों देखिए हरियाणा में मेडिकल ऑफिसर रिक्रूटमेंट जो है 2022 को निकली दोस्तों, 2022 के हरियाणा में मेडिकल ऑफिसर की रिक्रूटमेंट। तो दोस्तों इसकी जो लास्ट डेट इसकी जा चुकी थी, इसकी लास्ट डेट को बढ़ाया गया है जो है दोस्तों 25 फरवरी तक। इसकी लास्ट डेट दोस्तों 31 जनवरी के आसपास थी, तो इसकी लास्ट डेट को 25 फरवरी तक आगे बढ़ा दिया गया है। इसमें अगर मैं पोस्ट की बात करता हूँ तो 1252 पोस्ट 1252 पोस्ट इसमें है दोस्तों और 25 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। अगर एज क्राइटेरिया यानी उम्र की बात करता हूँ तो उम्र रहेगी आपकी कम से कम 22 साल से ज्यादा 42 साल तक और फिर आयु में नियमानुसार छूट है दोस्तों। उसके बाद देखिए अगर अप्लीकेशन फी की बात करता हूँ जर्नल और अदर स्टेट, देखिए दोस्तों जर्नल तो अपने हरियाणा में जो व्यक्ति जर्नल है वो और अदर स्टेट के भी हरियाणा में जर्नल में काउंट होंगे, तो उनकी फी है दोस्तों 1000 रुपए और SC BC EWS के लिए 250 रुपए फी है दोस्तों। तो ये थी हमारी हरियाणा में मेडिकल ऑफिसर की रिक्रूटमेंट भर्ती, इसके लास्ट डेट बढ़ा दी गई है। जिसने अभी तक फॉर्म को नहीं भरा था वो फॉर्म भर सकता है। उसके बाद अगला देखिए दोस्तों हरियाणा में DHFWS यानी देखिए बहुत सारे हरियाणा के जो डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों, कुल मिलाकर 22 डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन बहुत ज्यादा डिस्ट्रिक्टों में दोस्तों क्या है डिस्ट्रिक्ट हेल्थ वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से वैकेंसी निकली है दोस्तों। तो ये पंचकुला और पलोल में इसमें नई भर्ती आई है और पहले भी रोहतक में भी निकली थी, फतेहाबाद में भी निकली थी। मैं आपको जैसे ही जिस जिले में निकलती है तो बताता हूँ। अब की बात जो डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर सोसाइटी में जो वैकेंसी निकली वो पंचकुला और पलोल में नई भर्ती आई है दोस्तों। उसके बाद देखिए असम राइफल्स में भी यानी वेरियस पोस्ट निकले दोस्तों। असम राइफल में कुक MTS सफाई वाला इस तरीके से, तो 152 पदों पर वैकेंसी निकली है असम राइफल में। इनकी भर्ती के आवेदन जो दोस्तों 1 फरवरी से 12 मार्च तक इसके आवेदन करने के आपका समय रहेगा असम राइफल में। अगर उम्र की बात करता हूँ तो मिनिमम उम्र कम से कम उम्र 18 साल होनी चाहिए दोस्तों और अधिकतम जनरल 25 साल दोस्तों। किसी के लिए कोई भी आवेदन शुल्क इस भर्ती में नहीं है, असम राइफल में भर्ती निकली थी। उसके बाद हरियाणा की मशहूर प्राइवेट कंपनियों में प्राइवेट लिमिटेड सेक्टरी कंपनियों में सबसे मशहूर नाम दोस्तों मारुति कंपनी गुरुग्राम में स्थित है। देखिए तो मारुति कंपनी गुरुग्राम में 700 से ज्यादा पदों पर सीधी भर्ती निकली है यानी इंटरव्यू बेस ये भर्ती रहेगी, डायरेक्ट इंटरव्यू होगा आपके, ऑनलाइन ऑफलाइन आवेदन इस बताइए दोस्तों आप क्या आवेदन होने के बाद। तो देखिए इसमें उम्र की यानी एज क्राइटेरिया की बात करता हूँ तो मिनिमम 18 साल मैक्सिमम 26 साल आयु में नियमानुसार छूट है। उसके बाद इसके 1 फरवरी से 13 फरवरी तक आप इसके आवेदन कर सकते हैं और किसी भी कैंडिडेट के लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं है। बहुत ही बेहतरीन मौका है मारुति कंपनी हरियाणा गुरुग्राम में लगने का, सीधी इंटरव्यू बेस भर्ती रहेगी। उसके बाद देखिए पंजाब नेशनल बैंक जो है ना हरियाणा के 5 जिलों में पंजाब नेशनल बैंक ने भर्तियां निकाली, अलग अलग जिलों में दोस्तों क्या है पंजाब नेशनल बैंक की भर्तियां निकली है 5 जिले दोस्तों। देखिए इसमें कुल मिलाकर 64 वैकेंसियां निकली है। इनकी एक PDF भी है कि किस जिले में जो 5 जिले हैं जैसे करनाल हो गया दोस्तों, रेवाड़ी हो गया, यमुनानगर हो गया, महेंद्रगढ़, चरखीदादरी, इस तरीके से 5 जिले हैं। तो देखिए इनमें कुल मिलाकर 64 वैकेंसियां निकली है और वो PDF में बताई दी गई है कि किस जिले में कितनी वैकेंसी है, ठीक है। उसके बाद देखिए इसके आवेदन करने की जो तिथि है दोस्तों वो 28 जनवरी से 11 फरवरी तक, यानी 28 जनवरी से 11 फरवरी तक आप ऑफलाइन आवेदन इसके कर सकते हैं। और ये देखिए जो 11 फरवरी तक लास्ट डेट है वो रेवाड़ी महेंद्रगढ़ चरखीदादरी जिले की है, करनाल जिले की और एक और जिला और दोस्तों वहाँ पर 18 फरवरी तक है।
इसमें कोई भी आवेदन शुल्क किसी भी कैंडिडेट के लिए नहीं है। और एज क्राइटेरिया की बात करता हूँ तो मिनिमम एज आपकी 18 साल और मैक्सिमम एज हमारी रहेगी दोस्तों आवेदन करने की 24 साल तक। उसके बाद नियम अनुसार SC ST OBC को छूट दी है दोस्तों इसमें। उसके बाद बात करता हूँ दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड DCB, दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड DCB में दोस्तों क्या है, रिक्रूटमेंट 2022 में जो 18 पदों पर भर्तियां निकली हैं, 18 पद 18 पदों पर भर्तियां निकली हैं। इसकी एज क्राइटेरिया की बात करता हूं तो 18 साल मिनिमम रहेगी, मैक्सिमम 25 साल। आवेदन जो आवेदन करने की तिथि इसकी रहेगी दोस्तों 1 से 15 फरवरी तक आप इसके आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद देखिए हरियाणा के विद्यार्थियों के लिए एक बार फिर से खुशखबरी है, जिन्होंने भी जो ना पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए आवेदन नहीं किया था दोस्तों उसके बाद डेट 15 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। जिसको भी छात्रवृत्ति मिलती है दोस्तों तो वो आवेदन जरूर करें क्योंकि इसके लिए लास्ट डेट 30 जनवरी के आसपास थी दोस्तों, तो इसकी लास्ट डेट जो है 15 फरवरी तक बढ़ा दी गई है हरियाणा में पोस्ट मैट्रिक कॉलेज स्कॉलरशिप दोस्तों। तो इसके आवेदन जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक नहीं किया, जिस भी विद्यार्थी ने नहीं किया है तो वो जरूर करें। उसके बाद मैं बात करता हूँ दोस्तों NPCIL में क्या है, 22 पदों पर नई भर्ती आई है। इसमें क्या है 10 फरवरी से 2 मार्च तक आप आवेदन कर सकते हैं और कोई भी इसमें क्या है आवेदन शुल्क नहीं है, कोई भी एग्जाम फीस में आपकी नहीं लगेगी। एज क्राइटेरिया, एज यानी उम्र की बात करता हूं तो 18 साल मिनिमम और 28 साल मैक्सिमम इसमें NPCIL में रहेगी। उसके बाद एक और बढ़िया वैकेंसी आई दोस्तों बैंक से रिलेटेड, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में क्या है जर्नलिस्ट ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकली है बैंक ऑफ महाराष्ट्र में। कुल पदों की बात करता हूँ, कुल जो पोस्ट है दोस्तों वो 500 पोस्ट है, बहुत ज्यादा पोस्ट होती है 500 पोस्ट। देखिए बहुत अच्छी पोस्ट निकली है जर्नलिस्ट ऑफिसर। आवेदन अगर मैं करने की बात करता हूँ तो आवेदन आपकी दिनांक जो ना 5 फरवरी से 22 फरवरी तक आप इसके आवेदन कर सकते हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र में दोस्तों। इसकी एग्जाम डेट भी देखिए बहुत ही रोचक जानकारी तो ये है कि इसकी एग्जाम डेट इन्होंने पहले ही मेंशन कर दी है, इसकी एग्जाम डेट रहेगी दोस्तों 12 मार्च। देखिए यहाँ पर एग्जाम की यानी ऑनलाइन फी की पेड बात करता हूँ तो जनरल ओबीसी UWS के लिए 1180 रुपए फी चलान रहेगा और SC ST PH के लिए 118 रुपए रहेगा दोस्तों। एज क्राइटेरिया की बात करता हूँ तो एज मिनिमम 25 साल मैक्सिमम 35 साल, इसमें एज क्राइटेरिया में थोड़ी सी छूट भी है ठीक है। उसके बाद देखिए अगला है मेन जो है ना SSC CPO से 2020 की बहुत ही अच्छी खबर है। SSC CPO जिसने रिटायर 2 दिया था SSC CPO SI, इसमें दोस्तों क्योंकि SI वगैरह की पोस्ट निकलती चाहे दिल्ली पुलिस हो CISF हो CRPF हो इन तरीके में इनमें SI की पोस्ट होती है दोस्तों। तो SSC CPO 2020 के टायर 2 का रिजल्ट आया, देखिए 2020 के टायर 2 का रिजल्ट अब आया दोस्तों जब 2022 चल रहा है तो रिजल्ट और फाइनल आंसर टीम की डाल दी गई है, आप इसे चेक कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़कर। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको दोस्तों वीडियो के नीचे दे दिया जाएगा और सभी ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा। उसके बाद एक और कुछ खबर स्टूडेंट्स के लिए दोस्तों, जिन्होंने भी हरियाणा ओपन से 10वीं 12वीं की है या किसी के एग्जाम रहते हैं या किसी को अपने अंकों में सुधार करना है तो हरियाणा ओपन बोर्ड 10वीं और 12वीं के जो ओपन से फॉर्म भरने के दोस्तों क्या है उन्होंने अंतिम तिथि 1000 रुपए देखिए क्योंकि फॉर्म भरने की तिथि जा चुकी थी तो अब उन्होंने लेट फीस यानी 1000 रुपए लेट फीस के साथ जो अंतिम तिथि 10 फरवरी तक बढ़ाई है। अभी भी आपके पास 4-5 दिन शेष है, जिसने भी अपने अंकों में सुधार करना है या फॉर्म भरने हैं तो वो आपके भर सकता है। उसके बाद क्या फायदा है दोस्तों IIT JEE जो हम लोग 2022 के एडमिट कार्ड आ चुके हैं, जिसने भी अपना एडमिट कार्ड चेक करना हो वो लिंक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से प्राप्त कर सकता है। तो ये थी आज की वीडियो में ये रोचक जानकारी, जॉब या जॉब से रिलेटेड आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़े, ये नंबर हमारा रहेगा व्हाट्सएप ग्रुप दोस्तों व्हाट्सएप नंबर, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें कोई भी जो है ना दोस्तों जॉब या जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं नई वीडियो में नई जॉब इन्फॉर्मेशन के साथ।